नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NSSO की तरफ से रोजगार और बेरोजगारी पर तैयार की गई सालाना रिपोर्ट 2017-18 तैयार होने के 2 महीने बाद भी सरकार की तरफ से जारी नहीं की गई है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इसके विरोध में नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन NSC के 2 स्वतंत्र सदस्यों PC मोहनन और JB मीनाक्षी ने इस्तीफा दे दिया है। अखबार के मुताबिक ये मोदी सरकार में NSSO की पहली रिपोर्ट है और इसमें नोटबंदी के बाद लोगों की नौकरी जाने और रोजगार में कमी का जिक्र है। मोहनन NSC के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। इन दोनों के इस्तीफे के बाद NSC में अब केवल 2 सदस्य रह गए हैं, मुख्य सांख्यिकी अधिकारी प्रवीण श्रीवास्तव और नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत। मोहनन ने समाचार एजेंसी PTI से कहा कि उन्होंने NSC से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें लगता है कि इन दिनों कमीशन पहले की तरह एक्टिव नहीं रहा और उन्हें ये भी लगता है कि शायद वो कमीशन की जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम नहीं है। दोनों सदस्यों ने 28 जनवरी को इस्तीफा दिया। 7 सदस्य NSC में 3 पद पहले ही खाली थे। 2 इस्तीफों के बाद अब यहां 2 सदस्य ही रह गए हैं। मोहनन और मीनाक्षी का कार्यकाल जून 2020 में खत्म होना था। पिछले दिनों रोजगार पर लेबर ब्यूरो के सर्वे में खुलासा हुआ था कि बेरोजगारी ने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नौकरियों पर नोटबंदी का बुरा असर दिखा है। ऑटोमोबाइल और टेलीकॉम सेक्टर, एयरलाइंस, कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में छटनी हुई है। जगुआर लैंड रोवर में 4,500 लोगों की छटनी की तैयारी चल रही है। एतिहाद एयरलाइंस में 50 पायलट की छटनी संभव जताई जा रही है।